हार्मोन्स अगर बॉडी में इम्बैलेंस हो, मतलब वो प्रॉपर जितना फ्लो होना चाहिए उतना नहीं है, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे ही फीमेल हार्मोन्स को लेवल में रखने के लिए या बैलेंस रखने के लिए क्या क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले मेथी। मेथी आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव करता है, आपके हार्मोन्स को एनहांस करता है, मतलब जो अच्छे हार्मोन्स होते हैं फीमेल्स के लिए उन्हें बढ़ाता है, और इसके साथ ही पीरियड्स को रेगुलेट करता है। सेकेंड है अदरक। अदरक या जिंजर जो होता है वो आपके पीरियड्स क्रैम्प को कम करता है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे कम करता है, पेन रिलीफ करता है, पीरियड्स को रेगुलेट करता है, और साथ ही फीमेल फर्टिलिटी भी बढ़ाता है। आंवला। आंवला आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है, फीमेल फर्टिलिटी को। इसके साथ ही जो PCOS के अगेंस्ट आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने मिलते हैं बॉडी में, जैसे हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, पेन होता है, इन सारी चीज़ों से ना निजात दिलाता है। इसके साथ ही आपका जो पीरियड्स फ्लो है उसे भी रेगुलेट करता है। जो नेक्स्ट है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, और आपकी रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है या फर्टिलिटी पावर है वो बढ़ाता है। इसके साथ ही आपके पीरियड्स रेगुलेट करता है, क्रैम्प से रिलीफ दिलाता है। सो इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें और पीरियड्स की किसी भी प्रॉब्लम से या फीमेल हार्मोन जो इम्बैलेंस होता है उनसे निजात पाएँ।